और ममता बनर्जी सत्ता की वो दो धुरी हैं, जिनके बीच सियासी कड़वाहट इस कदर है कि उनका एक होना तो दूर, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। हाल ही में सीबीआई वर्सेस बंगाल पुलिस विवाद के बाद से तो ये सियासी दुश्मनी और भी तगड़ी हो गई थी। मगर हाल ही में पीएम मोदी का इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने ऐसी राज की बात बताई जिससे हर कोई चौंक गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल इस चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू के दौरान बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही उनकी सबसे बड़ी सियासी दुश्मन हो, मगर वो हर साल उनके लिए मिठाई और कुर्ता जरूर भेजती हैं। मोदी ने जैसे ही ये राज की बात बताई तो ममता बनर्जी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने पहले तो 25 अप्रैल को श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के दौरान कहा कि मिठाइयों और चाय से अतिथियों का स्वागत करना बंगाल की संस्कृति है, विशेष मौकों पर हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, ये हमारी परंपरा है। हम मेहमानों का स्वागत मिठाइयों और उपहारों से करते हैं, लेकिन इससे उन्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा। इसके बाद 26 अप्रैल को भी ममता बनर्जी ने मोदी को कुर्ता और मिठाई भेजने पर सफाई दी और आसनसोल रैली में कहा कि मोदी पहले बंगाल नहीं आए और बंगाल से उन्हें वोट चाहिए, हम बंगाल से उन्हें रसगुल्ला देंगे, हम मिट्टी से मिठाई बनाएंगे और उसमें कंकड़ डालेंगे जैसे काजू और किशमिश लड्डू में डालते हैं, जिससे उनके दांत टूट जाएं। ममता बनर्जी भले ही पीएम मोदी के दांत तोड़ने का प्लान बना रही हो, मगर जिस तरह से पीएम मोदी ने खुलासा किया है कि ममता उन्हें हर साल मिठाई और कुर्ता भेजती हैं, वो बताता है कि मोदी और ममता की ये दुश्मनी विचारधाराओं की है, व्यक्तिगत नहीं। बहरहाल आपको बता दें, पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का भी जिक्र किया है और बताया है कि वो भी उन्हें ढाका की स्पेशल मिठाई भेजती हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कसे काय मुंबई, सगळे काही ठीक आहेत ना? मंच पर विराजमान शिवसेना प्रमुख मदलान भाऊ उद्धव ठाकरे जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, रामदास आठवले जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सभी उम्मीदवार, महायुति के सभी नेतागण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां मुंबा देवी और सबके संकल्पों को सिद्ध करने वाले भगवान सिद्धि विनायक के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छत्रपति शिवराज महाराज, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, बाला साहब ठाकरे जैसे महान मनुष्यों को उनकी इस भूमि करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती रही है। अरब सागर जितने विराट हृदय वाले, जिसमें हर कोई समाहित हो जाता है, ऐसे मुंबई के एक एक जन का मैं शीश झुकाकर अभिवादन करता हूं। साथियों,
आज ही मैं काशी में अपना नामांकन भरकर आया हूं। ये संयोग ही है कि देश की सांस्कृतिक नगरी से मैंने पर्चा भरा और अब सामर्थ्य और समृद्धि से जुड़ी नगरी में आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। और मैं विशेष रूप से उद्धव जी का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यहां तो 29 को चुनाव है, कितनी दौड़ा धूप रहती है, उसके बाद भी वो आज काशी आए, मेरे इस महत्वपूर्ण अवसर का उनकी हाजिरी ने एक नई ताकत दी, मैं उनका बहुत आभारी हूं। हमारी संस्कृति और हमारा सामर्थ्य यही तो भारत की शक्ति है, जिसके दम पर हम विश्व की अहम ताकत बनने की बात करते हैं। भाई और बहनों, ये चुनाव सिर्फ एक सरकार चुनने के लिए नहीं है, ये भारत की दिशा तय करने का चुनाव है, ये विकल्प का चुनाव नहीं, ये संकल्प का चुनाव है, ये वादों का चुनाव नहीं, ये इरादों का चुनाव है, ये गरीबी हटाओ का झूठा वादा करने का नहीं, गरीबों को सशक्त करके उसकी उम्मीदों को पूरा करने का, उसे नए अवसर देने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, लेकिन आज देश में जिस तरह की लहर है और उस लहर के कारण कुछ लोग बहुत परेशान है, उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है या फिर जो 20वीं सदी के आखिर में पैदा हुआ वोटर है, वो मोदी के साथ क्यों खड़ा है। और इसी डिबेट में कुछ लोग माथा खपाए हुए हैं, उनको इतनी सी बात समझ नहीं आती है कि 21वीं सदी का ये मतदाता जो 20 के सदी के आखिरी या 21वीं सदी में पैदा हुआ है, ये जो नया वोटर है असल में एस्पिरेशंस और अपने सपनों के साथ खड़ा है। मोदी तो उसकी एक्सप्रेशन भर है, अभिव्यक्ति भर है। भाइयों और बहनों, देश का यूथ 1947 में मिली आजादी से प्रेरणा लेकर आने वाले दशकों तक 2047 की तरफ देखता है, जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा। जिन दलों, जिन नेताओं की सोच पिछली सदी पर अटकी हुई है, वो 21वीं सदी के युवा की नब्ज नहीं समझ सकते। साथियों, आप जितने भी सर्वे देखेंगे, पक्ष हो विपक्ष हो, गांव हो देहात हो, टीयर टू टीयर थ्री शहर हो या मुंबई जैसी महानगरी हो, माया नगरी हो,
2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सभी एकमत है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। अब कोई भी अखबार, कोई भी टीवी चैनल के पुराने सर्वे रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, क्या एकमत है? वो एकमत इस बात पर है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है।